आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव मुड़िया रसूलपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर और ब्लॉक से 17 किलोमीटर है। इस गांव की कमान अबरार हुसैन के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में क्या क्या विकास हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद है ब्लॉक स्वार के गांव मुड़िया रसूलपुर में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गाँव में अब तक करवा दिए? जी, मैंने नाले बनवाए हैं बड़े बड़े जी, जो एक गाँव का पानी मैंने तालाबों में डाला है, जिससे क्या हमारा जो वाटर लेवल नीचे जा रहा था, जल भराव की समस्या यहाँ भी फायदा होगा और गांव के कीचड़ कार्य से भी मुक्ति मिली है। सड़कें वगैरह, दूसरी मैंने RCC कराई है, टाइल्स बिछवाई है, स्कूल की बाउंड्री ऊंची कराई है और स्कूल पे गेट लगवाए हैं, पेड़ पौधे लगवाए हैं, सौंदर्यकरण स्कूल का काफी करवाया है। मैंने मतलब मुझसे जितना हुआ है मैंने निष्पक्षता और ईमानदारी से काम किया। आवास मिले हैं आपकी ग्राम पंचायत? जी, आवास मिले हैं। शौचालय से ODF हो गया गांव? जी, हो गया। यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं चलती हैं केंद्र सरकार की गरीबों के लिए, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये मुफ्त में जो सरकार ने दिए हैं गरीबों को, इसका लाभ क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को मिल पाया है? मैं समझता हूँ मेरे गाँव में उज्ज्वल योजना में कम से कम 90% लोगों को उसका फायदा हो चुका मिला है। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा? सम्मान निधि मेरे गांव में सारे लोगों की हो गई थी, लेकिन उनमें कुछ पता नहीं क्या कमी आई है, जिसमें क्या कुछ कागजी कार्यवाही में कमी रही होगी। जो दो दो किस्त, एक एक किस्त पढ़ के अब पैसा रुकूंगा उसमें। हम प्रयास करता हूँ, मैं तहसील जाता हूँ और मैं जो भी कमी होती है उनकी उन कमियों, आपकी पूरी कोशिशें जारी है उन लोगों को उनकी योजना का लाभ दिलवाने की। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई हैं आपने? सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट और पानी की टंकी का मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है, जो मेरा यहाँ से जिला मुख्यालय से नखलऊ चला गया है। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? मैं प्रमुख मांग ये रखना चाहता हूँ, जैसे कि कभी रात के टाइम गांव से निकलना होता है और लाइट नहीं होती है तो गांव में बड़ा सुनसान अंधेरा होता है, जिससे कि चोर वगैरह का भी खतरा सा रहता है। उससे मैं अपने गांव को सौर ऊर्जा के पोल लगवा के जगह जगह पत्रकार के लिए आप यहां पर सोलर लाइट, और उससे जो बच्चे पढ़ते हैं रात को उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो इसमें मैं अपना प्रयास में लगा हुआ हूँ और सरकार से भी मेरी मांग है कि मैं अपने गांव को इस कार्य में सौर ऊर्जा यहाँ पूरी मात्रा में प्रदान करें, ताकि यहाँ पर प्रकाश की जो समस्या है वो दूर हो। जी, सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ग्राम पंचायत बारात घर और जो पशु चिकित्सालय है उसका प्रस्ताव मेरा दिया हुआ है जी। और अभी उस पर जिला मुख्यालय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायत भवन नहीं है। खेल का मैदान, खेल के मैदान के लिए मैं कुछ दबंगों से जमीन छुटवा चुका हूँ और उस पर अभी भी कुछ दबंग कब्जा कर हुए हैं। मेरा अपना पूरा प्रयास है, DM साहब को मैं कई बार मिला हूँ और SDM साहब ने कई बार उन लोगों पे एकाध दो FIR भी हुई है और मैं चाहता हूँ जिस दिन वो पूरी तरह मुक्त हो जाएगा उस दिन मैं खेल का मैदान बनाने की कोशिश करूँगा, सरकार से पैसा लिया। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में या ऐसी महसूस होती है जिसके लिए आप चाहेंगे किसी भी निधि से, सांसद निधि, विधायक निधि या सरकार किसी भी तरह इस ग्राम पंचायत में पूरा ध्यान दे, क्या कोई सांप्रदायिक विवाद वगैरह या कुछ ऐसा सामने आता है गांव में? देखो, मेरे गांव में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और भी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन मेरा एक गाँव ऐसा है जो सांप्रदायिकता से बिल्कुल मुक्त है और हम सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और मैं ज्यादातर ये चाहता हूँ कि जो छोटे तक के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो बारात घर में बाहर जाकर शादी नहीं कर पाते, उनके लिए एक न एक उलझन बनी हुई है और उसके लिए जगह हमारे पास पर्याप्त है लेकिन हमें धन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम उसका प्रयास घर का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं किसी सांसद निधि से अगर हो जाए तो ज्यादा। जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रधान जी से हमने बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा इस गाँव में करवाया जा चुका है, जैसे CC टाइल्स का रे, RCC सड़क निर्माण, तालाब का भी यहाँ इन्होंने निर्माण करवाया है, नाली निर्माण, आवास भी लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ कुछ परिवार आज भी मौजूद हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है
और यहाँ कुछ रास्ते अभी भी हैं जिनके लिए सीसी की मांग यहाँ प्रधान रखते हैं। प्रधान ने जो यहाँ प्रमुख मांग रखी है और जो प्रमुख समस्या यहाँ नजर आई है, सामने आई है, वो एक बारात घर की है। बारात घर को लेकर यहाँ ये निर्माण करवाना चाहते हैं। यदि सरकार पूरी धनराशि पर्याप्त मात्रा में इनको देती है तो बारात घर का निर्माण यहाँ पर करवाएंगे। उसके अलावा सांसद निधि, विधायक निधि से भी चाहते हैं कि कोई ना कोई मदद मिले। इसके साथ ही एक जो काबिले तारीफ इनका काम है कि इन्होंने ग्राम समाज की कुछ जमीन अपने स्तर पर कब्जा मुक्त करवा कर उसमें काम करवाने की कोशिश ये कर रहे हैं। यदि सरकार इनकी मदद करे तो कुछ दबंगों ने जो इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो उसे मुक्त कराकर उस पर कुछ ना कुछ निर्माण करवाएंगे, सरकारी भवन निर्माण करवाएंगे। अशोक अली के साथ मिनाजरीन टुडे 24 से। जी सर, क्या नाम आपका? संजीव कुमार अरोड़ा। जी सर, इस विद्यालय में किस पद पर है? मैं प्रधान अध्यापक हूँ। जी बताइए, प्रधान जी द्वारा क्या क्या विकास कराया गया विद्यालय में? प्रधान जी द्वारा कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल की बाउंड्री कराई गई है और मेन गेट लगवाया गया है। और इस समय शौचालय हमारा जो खराब हो गया था उस शौचालय को नवीनीकरण देने के लिए कायाकल्प के अंतर्गत उसका सामान आ चुका है, ईंटा रेता बजरी पहुंच चुका है और उसका कार्यक्रम चल रहा है, दरवाजे वगैरह सब आ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिम। जी आसिम जी, ये बताइए आप विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे 4 वर्ष में? जी विकास तो हमारे गांव में बहुत हुआ है, पहले सड़कें भी नहीं थी, गारा बहुत था, अब ये RCC भी हो गई है और टाइल्स भी बिछी है सीमेंट वाली। जी प्रधान जी के कार्यकाल से आप सहमत हो? जी हम बहुत सहमत हैं।